मनोज कम्पटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक का वीडियो है। ये करंट अफेयर्स से वीडियो है। ये हमेशा जो है एग्जामों में आते ही रहता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। क्वेश्चन किस टॉपिक से है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2020। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2020। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद जो है यूएस ओपन। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है ये क्रम पूछ देता है, ठीक ना? तो ये क्रम भी याद रखना है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन, ठीक है? अब देखिए, तो पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन को याद रखना है, ठीक है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जो है जनवरी माह में खेला जाता है। ये क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया है ये फर्स्ट वाला है, तो जनवरी फर्स्ट माह है, तो जनवरी माह में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। और ये होता है जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, मेलबोर्न में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है। उसमें ऑप्शन रहेगा हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट, इस तरह से क्ले कोर्ट, इस तरह से ऑप्शन रहेगा आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? हार्ड कोर्ट, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये प्रथम प्रतियोगिता है, यह जो है जनवरी माह में होता है और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में होता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है? अब देखिए 2020 का ये हम लोग याद कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी जो भी एग्जाम है इसके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, पहला जो है पुरुष, तो पुरुष में क्या है? नोवाक जोकोविच, ये कहां के थे? सर्बिया के। ये हरा दिए किनको? तो डोमिनिक थियम, डोमिनिक थियम को हरा दिए, ठीक है? देखिए, इसको याद करना बड़ी बात है, मेन जो है आपको याद करना ही है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो है किसको मिला है? तो नोवाक जोकोविच। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं। थोड़ा सा हम लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहते हैं। अब मान लिया जाए रेगिस्तान में कोई व्यक्ति है, बहुत सारे लोग हैं वहां जिनको प्यास अगर लगा हुआ है तो न देखते हैं वो बहुत बकते रहता है कि नहीं हमको प्यास लगा हुआ है, पानी दो पानी दो पानी दो। जिसको प्यास लगा हुआ रहेगा बिल्कुल वैसा होगा, है ना? तो देखिए उसमें होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। वहां की जो है एक सोफिया नाम के, सोफिया लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ना है सोभिया, जैसे शोभा नाम रहता है ना, देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शोभा के सोभिया बोल देता है, कोई के नाम है उत्तम्मा, उत्तम नाम है तो उत्तम्मा है ना, तो गौरव नाम है गौरव्बा, इस तरह से पुकारा जाता है, ठीक है? तो यहाँ जो है सोभिया, सोफिया लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना क्या है? सोभिया। सोभिया के नानी जो हल्थिन कहा? ऑस्ट्रेलिया में हल्थिन। तो उनका रे प्यास लगा लगे बक रहा है, चुप रहा है, नो बक नो बक नो बक, है ना? तो नोवाक जोकोविच, है ना? जिसे देखिए एक बीच होता है समुद्र के किनारा, तो वो कह रहा है कि नहीं बकिए, जो जाएंगे ना उन्हें बीच वादन है तो उन्हें समुद्र वादन है, तो उन्हें से पानी जो है हम आपको देंगे, तो पी लीजिएगा फिर, ठीक है? तो सोफिया के नानी, सोफिया के नानी ये महिला है ना, सोफिया के नानी जो है बक रहे थे पूरा, तो कह रहे थे कुछ कि ना बकिए, उन्हें जाएंगे ना बीच वादन है तो उधर समुद्र में से पानी दे देंगे, पी लीजिएगा, है ना? कहां के बात है? ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वहां जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है? तो देखिए नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन, तो पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में सोफिया केनिन। आप देखिए ध्यान देना है, ये नोवाक जोकोविच किसको हराए थे वो बताते हैं। तो डोमिनिक थियम, इसको याद क्या रखना है कि यहां जो है डोमिनिक लिखा हुआ है, एक जो है जाति में डोम होता है, ठीक है? डोम राजा जो बहुत ही महान कार्य उनका होता है, अंतिम संस्कार जब होता है मनुष्य का, उस समय जो है डोम राजा का काम होता है।
तो ठीक है, तो देखिए हम जो भी शब्द का प्रयोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए। आप विशेष रूप से आप ये नहीं सोचिएगा कि उस तरह का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा मकसद यही है कि आपको टोटल का टोटल याद हो जाए, कोई भी शब्द का प्रयोग करना पड़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है डोमिनिक लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना है डोमिनिया। बन गया कोची, सीएम लिखा हुआ है थीएम, लेकिन कोची पढ़ना है सीएम। तो देखिए ये डोमिनिया जो है सीएम बनने लगी, ये था कहां के, ऑस्ट्रिया के, था कहां के, ऑस्ट्रिया के। कौन? डोमिनिया। तो सीएम का चुनाव लड़ा कहां? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में लड़ा ना चुनाव, तो यहां हार गया। यहां तो जीत गया कौन? नोवाक जोकोविच। तो हार गया कौन? डोमिनिया। देखिए डोमिनिया एगो था जो सीएम बने लगी जो है, वो था कहां के, तो ऑस्ट्रिया के था। डोमिनिया सीएम के चुनाव लड़े लगी था, और वो जो है ऑस्ट्रिया के था, वो आके लड़ा कहां? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां जो है क्या हुआ, वो हार गया। कौन? डोमिनिया सीएम बने लगी, तो हार गया। तब जो है वो कहा करता है कि वो फिर जाकर के अमेरिका में खेलता है, मतलब चुनाव लड़ता है अमेरिका में, यूएस ओपन है ना, तो ये अमेरिका में जाता है, तो यहां जो है ये जीत जाता है। तो याद रखना है क्या कि ऑस्ट्रिया के एक डोमिनिया था, वो सीएम के चुनाव लड़ना चाहता था, तो लड़ा कहां? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में लड़ा, तो वहां क्या हुआ? हार गया। तो हार गया तो फिर कहां आ गया? वो अमेरिका में आके फिर से चुनाव लड़ा, तो यहां जो है डोमिनिया सीएम बन गया। तो देखिए कभी कभी आप जानते होंगे अपने देश में भी, भारत में भी ऐसा होता है कि कोई जो है कहीं से खड़ी हुए वहां से जो है वो चुनाव में हार जाते हैं, तो अगला जगह चेंज कर देते हैं कि अब इस बार जो है अगला जगह जो है वो फलना जगह से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा यहां भी है, आपको याद रखना है कि डोमिनिया जो है सीएम बने लगी, वो था ऑस्ट्रिया के, वो डोमिनिया था, वो सीएम बने लगी, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव लड़ा, लेकिन वहां जो है वो हार गया। तो जीत गया कहां? तो अमेरिका में, अमेरिका में जो है ये सीएम बन गया। ठीक है, तो देखिए याद रखना है कि डोमिनिया जो है सीएम के चुनाव लड़ रहा था कहां? ऑस्ट्रेलिया में, तो ये हार गया था, है ना, हार गया था। नोवाक जोकोविच जीत गया था और डोमिनिक थीएम हार गया था। ठीक है, ये था कहां के? तो ऑस्ट्रिया के था। कहां के था? तो ऑस्ट्रिया के। अब देखिए ये तो आपको ये दोनों याद हो गया। अब देखिए सोफिया केनिन ये जीत गया था, और गारवाइन मुगुरुजा, मुगुरुजा, मुगुरुजा। जैसे यहां जो है सोफिया की जो नानी थी वो प्यास से, प्यास लगा हुआ था तो बक रही थी, तो ना बोला, यहां बोला कि नहीं बकिए, जो चलेंगे बिचवा देने तो उन्हें पानी दे देंगे। अब मान लिया जाए कि उन्हें जाते जाते जो है ज्यादा प्यास लगा हुआ है, तो उनका प्राण टूट गया, जिसे उनका देहांत हो जाता है, तो ना कहता है मुर्गेला मुर्गुजा, यानी मर गेला मर गेला मर गेला, है ना, तो कहता है कोई कोई गरियाबे लगता है। देखिये गरवाइन लिखा हुआ है, गरवाइन तो न गरिया लगता है, तो रखा है उनकी पनिया दही, पनिया दही ले चली उन्हें पनिया पीते, है ना, तो गरियाबे लगा कि मर गेलो, है ना, तो गरवाइन मुर्गुजा। ठीक है, ये सोफिया की नानी की बात है, प्यासल थी तो इसीलिए जो है वो मुर्गेले मर गेले, तो वही गरियाबे लगा कि मर गेले तोरे चलते जो तू ही कहने की जो रुका रुका चले ही होने तब पनिया पिए बिचवा देने, है ना। तो सोफिया केनिन जीत गए थे और गरवाइन मुर्गुजा जो है ये हार गए थे। ठीक है, अब देखिए अगला आते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है ये मई जून के महीना में होता है, मई जून के माह में होता है, ये फ्रांस के पेरिस में होता है। कहां होता है? फ्रांस के पेरिस में। और ये फ्रेंच ओपन जो है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, जिसको मिट्टी का मैदान भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंच ओपन जो है किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पर, जिसको मिट्टी का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है मई जून माह में फ्रांस के पेरिस में, और क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है। अब देखिए इसमें क्या है आपको ध्यान देना है, तो ये फ्रेंच जो है फ्रेंच ओपन, तो ये पुरुष में राफेल नडाल, राफेल नडाल। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है, आपको पता है कि फ्रेंच को हम लोग फ्रांस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रांस कहते हैं। और आपको पता है कि भारत में राफेल जो है विमान आया है कहां से? तो यहीं से, फ्रांस से आया है। देखिए राफेल नडाल, है ना, राफेल, तो यहां से आप इसको पकड़ सकते हैं कि फ्रेंच ओपन कौन? तो राफेल, अरे फ्रेंच यानी फ्रांस, फ्रांस से आया था कोची राफेल, तो राफेल जो है ये जीत गया था।
अब देखिए ये दोनों जो जीता है ये दोनों यहां हारा हुआ है, तो आपको याद यही रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था वो फ्रेंच ओपन हार गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता था वो फ्रेंच ओपन हार गया था। लेकिन नोवाक जोकोविच, सोफिया केनिन, तो हमको लगता है कि ये आपको याद कराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तो ये पुरुष वाला तो आपको याद हो गया होगा, अब देखिए फ्रांस को जो है हम याद करवाते हैं फ्रॉक, याद करवाते हैं फ्रांस का जो है, जब इसका चिन्ह हम आपको बताएंगे उस समय आप इस तरह से बताएंगे फ्रांस का फ्रॉक है, तो फ्रांस वाला जो है जैसे पाकिस्तान है और फ्रांस है इस तरह से हम बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए फ्रांस को फ्रॉक पढ़ना है, पढ़ना है, तो देखिए फ्रॉकवा फटल रहता है ना, कहता है कि सीधे देखिए इगा स्वी टेक, कह रहा है कुछ अगे सुइया करे टेक कोची के फ्रॉकवा के। हम बताएं अभी बताएं कि फ्रांस को पढ़ना है क्या, फ्रॉक है ना, और फ्रॉकवा के जो है कह रहा है कुछ अगे सुइया करे टेक, यानी फट गया है तो उसको टाके कह रहा है ना, तो इगा स्वी टेक, ठीक है, तो ये आपको यहां से याद रख लेना है। अब देखिए सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता, ये 2020 में 13वां जीत था, तो इनको जो है राफेल नडाल को फ्रेंच ओपन का किंग कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा तो अब जो है इसके बाद आता है विंबलडन ओपन, यह जो है जून जुलाई के माह में खेला जाता है, ये लंदन इंग्लैंड के लंदन में होता है, ठीक है, ये खेला जाता है क्या चीज पे, तो ग्रास कोर्ट यानी हरी हरी घास के मैदानों पे खेला जाता है, कौन सा, तो विंबलडन ओपन, ये जून जुलाई के महीने में होता है और ये होता है कहां, तो इंग्लैंड के लंदन में, और क्या चीज पे, तो ग्रास कोर्ट जिसको कहते हैं हरी घास के मैदान पे खेला जाता है। अब देखिएगा 2020 में जो है ये कोविड-19 के कारण जो है ये नहीं आयोजित हुआ, यानी कि रद्द हो गया 2019 का। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं यूएस ओपन, यह जो है अगस्त से सितंबर माह में आयोजन होता है इसका, और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होता है, और ये भी जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यानी आपको बताएं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ यूएस ओपन जो है कौन जीता था, तो डोमिनिया सीएम, हम आपको बताएं कि डोमिनिया जो है ऑस्ट्रिया के एक डोमिनिया था, उस सीएम का चुनाव पहले लड़ा कहा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहां जो है हार गया था, जीत गया फिर कहा, तो अमेरिका में, तो यहाँ जीत गया कौन, डोमिनिया सीएम। अब देखिए मान लीजिए जीत गया है तो उसका विपक्षी है, तो विपक्षी रहता है जिससे वो जीत गया तो वो तो हार गया था, हार गया तो क्या कर रहा है, जाओ घर को, नहीं कहता है हार गया तो कुछ करा, जय में रे, ना कहता है जय में रे, जो जुए रेव है ना, तो वही कहता है कि हम अब सीएम बन ले तो तू इधर कुछ करें, जो जय में रे, जो है ना, तो इस तरह से याद रखना है डोमिनिक थीएम और जो है अलेक्जेंडर जुए रेव है ना, जुए रेव, इसलिए ये तो देख के इसको जर ये रहा होगा, इसलिए कि जो जीत गया वो हार गया, तो जर से जर रहा है तो जर्मनी है ना। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि ये अमेरिका की बात है, अमेरिका में जो है होता क्या है कि डोमिनिया सीएम बन गया था। अब देखिए यहां महिला में ये कैसे याद रखना है, नाओमी ओसाका है ना, तो जिसे देखिए यहां जो है लिखल है कुछ विक्टोरिया है ना, बिग गेलो रिया टाके छोड़ दीजिए है ना, बिग गेलो रिया, आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए थे रिया चक्रवर्ती है ना, तो उन्हीं से जो है यहां याद रखना है, तो बिग गेलो को रिया तो कह रहा है कोची कि आजा रे, आजा 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 रिंका, आजा रिंका है ना, जिसे बिग गेलो रिया, और दूसरा कहते आजा रे आजो आजो, तो ई कोची कहती है विपक्षी था ना, ये कहती है कि नमी उन्हें हम न जब उन्हें सप्पा हो, देखिये ओ साका तो ओ सप्पा उन्हें सप्पा हो, तो नमी उन्हें न जबो न तो उन्हें सप्पा हो है ना, जिससे देखिए इसमें पुरुष में तो आपको याद होगा, महिला में कैसे याद रखना है, यूएस ओपन में, है क्या कि जो महिला जो थी वो नाओमी ओसाका और उपविजेता जो थी विक्टोरिया अजारेंका, तो ये बेलारूस के थी, तो आपको याद इस तरह से रखना है कि यूएसए में जो है क्या हुआ, ये भारत वाला व्यवस्था जो है यूएसए में वहां भी कोई रिया होगी है ना, तब बी की गलो कौन रिया, और कहा बी की गया रिया तो कह रहा है कि ना, तो सोचा कि ना उन्हें सब पाओ पाओ उन्हें काट उठ
या तो हमरो बेच दे तो पकड़ के, है ना। तो उसी तरह से नाओमी उन्हें सप्पा, है ना, नाओमी ओसाका, है ना, इस तरह से याद रखना है आपको। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2020, इसमें क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि क्रम भी पूछता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। क्वेश्चन आपको दे देता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद जो है अगला जो है कौन सा ओपन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन जो है आपको पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी माह में होता है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में होता है और ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें जो है पुरुष में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के थे ये जीत गए थे, और डोमिनिक थियम जो है ये ऑस्ट्रिया के थे ये हार गए थे। इसके बाद जो है महिला में सोफिया केनिन जो है अमेरिका की थी वो जीत गई थी, और गर्बाइन मुगुरजा ये स्पेन की थी जो हार गई थी, ठीक है। फ्रेंच ओपन यह मई जून के माह में फ्रांस के पेरिस में आयोजित होता है और ये जो है क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है। इसमें जो है पुरुष में जो है राफेल नडाल जीते हैं जो कि स्पेन के थे, ये लगातार तीसरी बार है, यानी 19 में भी 18 में भी ये सब जीते हैं कौन, राफेल नडाल ही, ठीक है। और उपविजेता में कौन, नोवाक जोकोविच। अब देखिए महिला में कौन, तो इगा स्वियाटेक, है ना, ये पोलैंड की थी, और सोफिया केनिन उपविजेता थी जो कि आपको यूएसए की थी, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक बार जो है फ्रेंच ओपन का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है, यह 13वीं जीत था 2020 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विंबलडन ओपन है, यह जून जुलाई के माह में आयोजित किया जाता है, इंग्लैंड के लंदन में होता है। ये खेला जाता है किस कोर्ट पे, तो ग्रास कोर्ट पे यानी कि हरी घास के मैदान पर खेला जाता है। अब देखिए यह जो है 2020 में कोविड-19 के कारण जो है ये स्थगित रहा, यानी आयोजित नहीं किया गया। इसके बाद जो है यूएस ओपन, यह अगस्त से सितंबर माह में खेला जाता है और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें जो है पुरुष में डोमिनिक थियम और ये विजेता, और उपविजेता में अलेक्जेंडर जेवरेव, है ना, जेवरेव ये जर्मनी के थे। अब महिला में नाओमी ओसाका, ये आपको ओसाका से पता चल जाएगा कि जापान के, क्योंकि जापान का जो है विश्व का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को, और ओसाका जो है कहाँ है, जापान में, ठीक है। तो नाओमी ओसाका ये जापान की, ये विजेता, और विक्टोरिया अजारेंका ये बेलारूस की, ये उपविजेता। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज भर इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर राय दे। तो आज भर इतना ही, जय हिंद, जय भारत।